हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है नवमी, माता रानी की नवमी, तो सभी को हैप्पी नवमी। तो अभी बस हम नहा धो लिए, तैयार हो गए हैं और अब सारा काम हो गया, खाना वाना सब बना लिया, प्रसाद बना लिया। और लड़का अभी नहा रहा है हमारा, मैं दिखा नहीं सकती, नहा रहा है और प्रसाद बन चुका है, सब हो गया है, पूजा की तैयारी हो रही है, फिर कंजी के पूजन करेंगे। ये देखिए, ये हो रही है पूजा की तैयारी। प्रसाद भी बन गया है और माँ कंजकों का सामान हम पहले ही ले आए थे, अभी जब लगाएंगे तो दिखा देंगे। यहाँ पे अभी माता के गाने चल रहे हैं, सुबह से ही चल रहे हैं, बस तैयार हो गए हैं, बस अब पूजा करेंगे। जय माता दी। आ जाओ बाबू, आओ, नहा लिया है वो, अंधेरा निकलता नहीं है एक घंटे से पहले, आ जाओ चलो। तबीयत अभी उसकी ठीक नहीं है गाइस, कर रहे हैं ठीक, कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। तैयारियां हो गई है, हैप्पी नवमी। और बस आज है माता का आखिरी दिन, मतलब नवरात्रों का आखिरी दिन, तो अभी पूजा वूजा कर रहे, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हां बेटा, तो अभी हम ये चुन्नियां ले आए हैं, बांध दो, मैं बता दूं कैसे बांधते हैं। माता रानी की चुन्नी बांध रहे हैं, जय माता दी। चलो जा मैं अपने दादी के पास जा, जा चलो दादी के पास जा, चलो माता रानी जल्दी से ठीक कर दो। पहले क्या उठाओ, बहन कैसे रहो, जय माता दी। सीधी नहीं बोलते बाबू, जय माता दी लिखा हुआ ना, हाँ आप करो। चलो पैकिंग करो वासु देवी, चलो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि बस अब निकल लो, पैकिंग करके बैठो दे, बस निकल लो। जय माता दी, जय माता दी। ये हो रही है तैयारियां, ये माता का प्रसाद आ गया है, इसका अलग ही चलता रहता है। ये हम लोग जय माता दी, ये कह रहा है 2 × 2 + 2 + पता नहीं क्या क्या बोल जा रहा है। ये देखो अलग अलग ही चलता है इसका, कुछ सबसे अलग, ये माता की बात चल रही है तो इसका अलग ही चल रहा है, है? मतलब सबसे अलग ही बातें करता है ये। बता देंगे तेरे को जब तेरे कमेंट आने लगेंगे ना, तब बता देंगे तेरे को। ये लो, हाँ आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कमाने वाले लोग लोग भी ऐसे दे देते, साबुत नहीं थी बस, इन्हें बेचने से मतलब है। सो गाइस, सुबह ब्रश किया, बेबी लॉन्ग थी, शाम को चाय पी, बेबी लॉन्ग थी, बस मैं दाल खाई, खाने से पहले दाल खाया, बेबी लॉन्ग पिता महादेव, माता जानी पार्वती पिता महादेव।
आरती हो गई है, अब हम अग्यारी करेंगे, भोग लगाएंगे माता रानी को। क्या हो रहा है भाई गुड्डी? ये नारियल साथ साथ टूटता है, सही कह रही है। ये बाकी तो रखे रखे ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रसाद में देना होता है कन्याओं को। तो गाइस कन्याओं का प्रसाद लगा दिया है और अभी इनके लिए छोटी छोटी गिफ्ट्स लाए, सुंदर सुंदर, बहुत क्यूट क्यूट है। देखिए ये देखिए, ये क्यूट क्यूट, कितने क्यूट क्यूट है। अगर बच्चे की तो रख लूंगी, और अभी फ्रूटी भी है, फ्रूटी भी देनी है कन्याओं को। हो गया सब। हेलो कहाँ है, किसका नेता? सो गाइस फाइनली कन्या पूजन भी हो गया, सब कुछ हो गया और मेरे नवरात्रे पूरे हुए इस बार के। अब करेंगे नेक्स्ट, तो अब खाएंगे सबसे पहले प्रसाद। सो गाइस पूजा वगैरह हो गई है, सब हो गया, कन्या पूजन भी हो गया है और खाना भी खा लिया है 9 days बाद। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है लोधी रोड साई मंदिर जाने का। पुरुष में गए नहीं, माता के मंदिर भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, भीड़ बहुत होती है ना इसीलिए। कहा छुट्टी है तो हम सोच रहे हैं कहा जाए, लोधी रोड साई मंदिर। चलेगा लड़के चलेगा, ये लड़का बोल रहा नहीं है, लड़का ये बोल रहा नहीं है। कुछ नहीं दिलाऊंगी, चवन्नी नहीं दिलाऊंगी, अब नहीं दिलाऊंगी गाइस इसको कभी भी। बस कुछ दिलाओगे, कुछ दिलाओगे, कुछ दिलाओगे करता रहता है, नहीं दिलाऊंगी। तो गाइस चलते हैं लोधी रोड साई मंदिर। गाइस अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, रास्ते में देखिए नजारा, बाहर का ट्रैफिक। और इसको नए रास्ते में क्या मिला दिखाइयो, देखा एक शार्पनर मिल गया गाइस। आज कंजक के आना तो किसी का गिर गया होगा, तो न्यू शार्पनर मिल गया। सो गाइस पहुंच गए हैं साई मंदिर, पहले से कितना अच्छा बना था। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं साई मंदिर, अरे ले लिया प्रसाद, चल रहे अंदर दर्शन करने। सो गाइस काफी बन चुका है, चेंज हो गया, सुंदर बन गया और अभी भी बन ही रहा है। मंदिर में आ चुके हैं, अब आपको कराते हैं बाबा के दर्शन। ये है साईं बाबा की धुनी, ये भी अभी जलाएगा दिया। साईं बाबा पे मंदिर पे दर्शन हो गए हैं। अभी है इधर तो आए थोड़ी ना होता है। कर लिया है प्रसाद भी ले लिया और साईं बाबा के कपड़े लिए, कपड़े लिए छोटा सा गिरा दो आपको। चलिए आइए पगला बच्चा।
रहा है। जब भी हमने माता ले लिए थोड़ी सी गुड्डू के लिए रख ली मैंने तीन चार। सो गाइस हम अपने पुराने घर में आ गए। तो हम अपने पुराना घर हमारा ये था, ये हमारा पुराना घर था और हमारे नेबर्स उधर रहते हैं आगे, तो उनसे मिलने आए हैं यहाँ पर। लेकिन डॉगी है, डॉगी के चक्कर में हम जा नहीं रहे, वो निकल नहीं रहा, वो पूछ तो हिला रहा है लेकिन निकल नहीं रहा, पता नहीं क्यों तबीयत खराब हो गई। जाने का मतलब है कि वो खुश हमें देख के खुश हो रही है वो। मम्मी गई है पता करने यूट्यूबर। देखिएगा ये था हमारा पुराना जो एकदम अभी खाली पड़ा ये वाला घर, ये पाइपलाइन वगैरह सब हमारे सामने लगी थी सारा, और वो जिस पे हम कूलर रखते थे वहाँ कूलर रखते थे हम, हमने लगाया था उधर। ये हमारे पौधे ये नहीं थे बाबू, हमारे वहाँ जो वो लगा हुआ है वो देखो ये रे। हम पहचान गई ये चले जो या सो गाइस हम आ गए हैं साईं मंदिर से और आके मैंने बनाई है दाल चावल, मेरे फेवरेट। आफ्टर 9 days आई एम ईटिंग दिस माई फेवरेट थिंग, दिस इज राइस एंड दिस इज दाल, दाल भात खान दगड़ दगड़ जान। तो आज मैं बहुत 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 दिनों बाद दाल चावल खाऊंगी, थोड़ी सुबह खाई थी और मज़ा आ गया गाइस, मज़ा अभी खा के आएगा वैसे तो, लेकिन बनाने में भी आ गया क्योंकि फास्ट के बाद खा रही हूँ, नाइन्थ डे पे खा रहे हैं नाइन्थ में, तो बस खाना खाते हैं। सो गाइस देखिए खाना पीना खाते छत पे टहलने आ गए हैं सब, और ये देखिए इसकी ना हर जगह पता नहीं क्या क्या कराता रहता है, ये चवन्नी और चवन्नी जरा बोल गाइस को बोल एक मोटे इंसान को उठाएगा। ये क्या कर रहा है बब्बू, इंसान को नहीं मोटे मोटी इंसानी को इंसानी। तो गाइस खाना पीना हम सब खा चुके, टहल लिया, बड़े दिनों बाद चावल खाया तो बहुत मजा आ गया दाल चावल। मुंह में क्या कर रहा है हूं, ये देखो उसे देखो आ जा। तो गाइस आज लगता है एक ही देख आगे पीछे देख लो। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, कितनी बार बोलोगे। तो हम इस ब्लॉग को, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कल के ब्लॉग के साथ, बाय।